और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांदा से बड़ी खबर, बांदा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तेज बारिश से ढहे पुल का लिया गया संज्ञान। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। जिला प्रशासन ने मामले का लिया संज्ञान। पुलनुमा रपटा को ठीक करवाने का काम शुरू। तो बड़ी खबर बांदा से आ रही है, आपको बता दें, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो बांदा से ये बड़ी खबर, जहां तेज बारिश से ढहे पुल का संज्ञान लिया गया है। इंडिया न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी और अब संज्ञान ले लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। अमारा से बरेंटा मार्ग पर केन नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण मार्ग दोनों तरफ से कट गया था। यह बात जैसे ही संज्ञान में आई है तो इस मार्ग पर युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस पर रात दिन कार्य कराते हुए प्रयास किया जा रहा है कि इसको आज शाम तक आम जनता के आवागमन के योग्य बना दिया जाए। इसमें शाम तक मार्ग को चालू कर दिया जाएगा और इस पे अब किसी तरह का आवागमन की बाधा नहीं रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यम सिंह जुड़ गए हैं। सत्यम, देखिए जिस तरह से अब संज्ञान लिया गया है इस पर और अब कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, कृपया बता दूं कि इससे पहले भी लगातार इंडिया न्यूज भ्रष्टाचार से संबंधित हो या फिर अन्य मामलों से संबंधित हो, हमेशा से ही खबर उजागर करता रहा है। इसी क्रम में हुई तेज बारिश के बाद में ये जो नवनिर्मित पुल है वो ढह गया था, जिसकी इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और जिसके बाद में यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया और जो नवनिर्मित पुल है उसको बनाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। जी कृष्णा, और क्या एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा? सत्यम, ये भी जानने की जरूरत है क्योंकि अगर पुल बना और ढह भी गया तो बड़ी बात है ये। देखिए, निश्चित तौर से सवालिया निशान तो खड़ा होता है कार्यदायी संस्था के ऊपर, क्योंकि अगर ये नवनिर्मित पुल है और इस तरीके से ढह गया, क्योंकि अगर मैं इस पुल की बात करूं तो इसका कनेक्शन लगभग 2 दर्जन गांव को जोड़ता है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बावजूद जिस तरीके से नवनिर्मित पुल का ढह जाना, वो भी नया पुल ढह जाना, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भ्रष्टाचार के ऊपर भी खड़ा होता है। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित करते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करें, बावजूद जिस तरीके से ये कार्यदायी संस्थाएं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उन पर कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रही है, तो साफ तौर से ऐसी संस्थाओं पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। बहरहाल, अगर मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो फिलहाल में ऐसा कोई भी अपडेट प्रशासन के द्वारा नहीं आया है कि ऐसी संस्थाओं के ऊपर कार्रवाई की गई हो या ऐसी संस्था के ऊपर फिलहाल में कार्रवाई की गई हो। जी, किसका? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।